मेरिट मार्कर वेलकम प्लस फाउंडेशन आज देखेंगे इसमें पार्ट से पढ़ा दिए थे पार्ट फोर के होमवर्क में था इसी को क्या करना है हल करना ठीक है इसे कैसे हल करना है देखते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन था नवोदय का जिसमें ये है 8/3 डिवाइड बाय 5 ब्रैकेट में 5/3 -1/6 प्लस 5/8 बराबर क्या होगा सॉल्यूशन नंबर 46। अब जैसे देखो पहले इसको क्या करना है सिंपल हम लिख लेते हैं 3/8 डिवाइड ब्रैकेट 5/3 -1/6 प्लस कितना हो जाएगा 5/8। अब इसमें आपको पता है सर्वप्रथम किसको हल करेंगे ब्रैकेट को ठीक है तो 3/8 डिवाइड ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भैया 3 and 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा है ना। एलसीएम कैसे निकालते हैं तो 3 6 का एलसीएम निकालोगे 2 से ये नहीं कटेगा 3 आ जाएगा 2 3 6 एंड 3 1 3 आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो इसका एलसीएम निकालोगे एलसीएम कितना आ जाएगा 2 × 3 = 6 कितना आ गया 6 ये 6 यहां लिख देंगे ठीक है फिर क्या करेंगे 5 को लिखेंगे ये 3 का डिवाइड करेंगे 6 में कितना आ जाएगा 2 - 1 लिखेंगे 6 का 6 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा प्लस 5/8 ओके 3/8 डिवाइड 5 × 10 -1 × 1/6 प्लस 5/8 यानी कितना हो जाएगा 8/3 ओ सॉरी 3/8 है 3/8 डिवाइड 10 - 1 यानी 9/6 प्लस 5/8 यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना देखो इधर 3 × 2 = 6 3 × 3 = 9 ये डिवाइड हो गया 3/8 अब ये क्या है ये किसमें है डिवाइड में है तो चेंज करेंगे किसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में नीचे वाली संख्या ऊपर ऊपर वाली संख्या नीचे यानी 2 चला जाएगा ऊपर 3 आ जाएगा नीचे प्लस क्या हो जाएगा 5/8 आर यू गेटिंग माय पॉइंट यहां से 3 से 3 कैंसिल और ये 2 4 = 8 ओके अब क्या हो जाएगा बेटा इसको कर सकते हो 1/4 प्लस 5/8 8 एंड 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 8 एंड 4 का एलसीएम भी आ जाएगा कितना आएगा 8 भी आएगा आएगा ना और यहाँ हो जाएगा 1 × 4 = 8 + 5 × 8 = 8 यानी 2 + 5 = 5/8 आर यू गेटिंग माय पॉइंट दिस इज योर आंसर समझ में आ गया बना लोगे ना इस क्वेश्चन को कहीं कोई डाउट हो तो बोलो नहीं ना क्वेश्चन नंबर 47 यदि क्या है 15 - 15 + 15 / 6 = x हो तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है ठीक है ना तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये 47 क्वेश्चन नंबर 47 सॉल्यूशन 47 क्या हो रहा है 15 - 15 / कितना जी 15 - 15 / 15 × 6 = x ओके तो क्या करेंगे सर्वप्रथम किसको हल करना है डिवाइड तो करना है 15 - 15 / 15 डिवाइड कर दो भाई कितना आएगा 1 आएगा किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें 15 से 15 क्या हो जाएगी कट जाएगी ना कितना आएगा 1 आएगा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा तो 15 - 6 = कितना हो जाएगा 9 तो वैल्यू ऑफ x = इक्वल टू 9 x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई ओके बन जाएगा ना इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है फिर यहां बोलना है क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला है 0.9 डिवाइड 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 का मान क्या होगा तो
तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्यूशन, क्या बोला है 0.9 डिवाइड 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। अब ये कितना हो जाएगा 0.9 डिवाइड 0.3 का 0.3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.09, यही आएगा, करके देख लेगा ठीक है। वैल्यू कितना आएगा 0.09, जब इसको डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे 0.09 आ जाएगा। अब इसका सिंपल है, क्या कर दो डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा 0.09 अपान क्या ले जाओ इसको 0.9। ओके वन सेकेंड, ऐसे करना है 0.9 डिवाइड बाय 0.09 ठीक है ना। यहां से एक अंक के बाद दशमलव है ठीक है, तो इसको हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो लगेगा, लेकिन यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव था, दो अंकों के बाद दशमलव था, तो इसको हटाएंगे कितने जीरो लगेगा, दो जीरो लगेगा, लगेगा कि नहीं। अब देखो इधर ये जीरो से जीरो कैंसिल, इसके सामने की जो जीरो है ना, मतलब जो नंबर है इसके पहले के जो जीरो है इनकी कोई वैल्यू नहीं होती ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 90/9, ये कितना टाइम जाएगा इसमें डिवाइड 10 विल बी योर आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो फर्स्ट इसको लिख लो या इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ क्या बोला है, यदि एक संख्या बी एक अन्य संख्या सी से 10% कम है तथा सी 150 से 5% अधिक है तो बी का मान क्या होगा। यहाँ वेरी करता है कि आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ पा रहे हो कि नहीं, नहीं हवा में उड़ जाएगा क्वेश्चन। देखो इधर, यदि एक संख्या बी एक अन्य संख्या सी से 10% कम है तथा सी 150 से 5% अधिक है तो बी का मान क्या होगा। समझ में आ रहा है क्या करना है, हाँ पूछो या बुला के। देखो क्वेश्चन नंबर 49 के सॉल्यूशन 49, क्वेश्चन की स्टैंडर्ड देख लो बेटा, पिछले वर्ष आए हैं ये क्वेश्चन, 2000 किस में आया था 20 में, सोच लो 22 में कैसा आएगा। क्या बोल रहा है, बी जो है ना एक अन्य संख्या सी से 10% कम। अरे अभी तो हमको यही नहीं पता कि सी कितना है, पहले क्या निकालना है सी, इसके बाद ना बी पर चर्चा करेंगे। और सी 150 से 5% अधिक है, मतलब ये तो बता दिया कि सी कितना है, सी जो है ना 150 से 5% अधिक है, कितना है 5% अधिक है, तो सी 150 से कितना अधिक है 5%, 5% ओके समझ में आ रहा। 150 है और 150 के इससे कितना है 5% अधिक है, ये समझ में नहीं आया हुआ तो छोड़ दो इसको, समझो तुम देखो तुमको क्या करना है। पहले कितना बोल रहा है कि सी कितना है 150 से 5% अधिक है ना, तो हम पहले क्या करेंगे 150 का 5% निकाल लेते हैं सीधे। इतना समझ में आ रहा है कि 150 का कितना परसेंट निकालना हमको 5%। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, देखो प्रति का मतलब क्या होता है, सभी में प्रति मतलब प्रति इकाई है ना, तो प्रति में शत की जब वृद्धि हो तो क्या कहलाएगा प्रतिशत। आई रिपीटिंग माय पॉइंट, जैसे देखो प्रतिशत का जो साइन होता है ऐसे होता है ना, अब उसमें क्या होता है उसका मतलब 1/100 ठीक है ना। तो पहले हमको क्या करना है 150 का 5% निकालते हैं 150 ठीक है 5% यानी 5/100 कितने बार जाएंगे, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा 5 1 5 5 2 10 यानी कितना आ जाएगा 15/2 यानी कितना हो जाएगा 7.5 समथिंग आएगा
आ गया ना 150 का 5% कितना आया 7.5। इस 7.5 को क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि इसकी वैल्यू तुमने निकाल लिया। वो 150 का 5% कितना आ गया 7.5, बचा कितना 150। 150 में इसको ऐड कर दो तो 150। अब देखो जैसे ये जो वैल्यू लिखी है यही वैल्यू तो यहाँ भी लिखी है ना, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7.5। तो ये 7.5 को क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है 7.5, ऐड कर दो कितना आ गया भैया 157.5। ये किसकी वैल्यू आ गई, सी की। किसकी मान आ गई, ये सी की। आगे क्या बोला है कि बी एक अन्य संख्या सी से 10% कम है, यानी बी कितना है सी माइनस 10%, सी से कितना कम है 10%, बी है तो बी का मान कितना होगा। अब सी का मान तो आप निकाल लेंगे कितना 157.5। 157.5 का कितना निकालना है आपको 10%, ठीक है। तो 10% क्या करना है, कम करना है इसमें, तो पहले तो इसका 10% निकालना है, यानी क्या करेंगे 10/100 करेंगे, यहां से दशमलव हटा दो और यहां एक जीरो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी नहीं, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 5 से इसको डिवाइड कर लो, 5 × 15 बचा कितना कुछ नहीं, और ये 5 × 5 = 25, ये कैंसिल हो गया। 5 से इसको डिवाइड कर दो तो कितने बार जाएगा भैया 5 × 10 = 0, ठीक है, ये समझ में आ रहा। अब इसको फिर से 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 5 × 4 = 20, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स आएगा 5 × 6 = 30 एंड 5 × 3 = 55, फिर इसको डिवाइड कर दो कितने बार जाएगा 64 को 4 से डिवाइड करो 4 × 4 बचा कितना 2, तो कितना हो गया 23, 4 × 5 = 20 बचा कितना 3। अब कितने टाइम जाएगा 3 × 30, 4 × 4 = 32 हो जाएगा है ना, तो 4 × 7 = 28 बचा कितना 2, यानी 24 × 5 = 20, ठीक है। इसको जब कैंसिल करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15.75। और ये 15.75 को क्या करना है, इसमें सबट्रैक्ट कर देना मतलब घटा देना, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 157.5 में क्या सबट्रैक्ट कर दो 15.75। अब देखो यहाँ कोई संख्या नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ क्या करेंगे एक जीरो रख देंगे, ठीक है, सबट्रैक्ट करने के लिए। अब यहाँ 10 में 5 सबट्रैक्ट करो बेटा 5 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा ये 8 में 15 में कितना आएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े। तो ये आपकी आंसर कितनी आ जाएगी, जो बी की वैल्यू हो गई वो कितना आ गया 141.7। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना, क्लियर हो गया, इज दैट क्लियर। अब देखो एक और बोला है क्वेश्चन नंबर 50, 175 के 10% का 5% बराबर होगा, एकदम से इजी क्वेश्चन है। ये समझ में आ गया कि इसको दोबारा से बताओ, दोबारा से बताओ, जरूरत है नहीं है, इधर उधर इसको दुश्मन देखो पूछ लो। तो 175 का 10% का 5% क्या होगा, चलो इसको समझते हैं। सॉल्यूशन नंबर 50, 175 का 10% यानी 10 × 5% यानी 5। अब देखो 10% का भी क्या आएगा 100, और इसका 5% का भी क्या जाएगा 100। ये समझ में आ गया कि नहीं, 175 लिख दिए 10% यानी 10/100, 5% यानी 5/100, ओके। ये 0 से 0 कट दिया, 5 × 5 = 5, 5 × 10 ये भी कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा। इसको डिवाइड करके देखो कितने 5 × 5 = 15 बचा 2 × 5 = 25, ओके। और इसको 5 से डिवाइड कर दो कितना जाएगा 25 जा
100 होगा, फिर 5 से डिवाइड करो कितना बार जाएगा भाई, 5 4 20, 5 7 35। ओके, ये इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? अब देखो ये हो गया कितना, 7 by 4 2 8, कितना हो गया 7 by 8। अब इसको डिवाइड कर दो कितने का जाएगा, फर्स्ट तो 8 को डिवाइड करोगे तो एक भी टाइम नहीं जाएगा, 0 टाइम जाएगा, है ना। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 70, तो 8 का इसे डिवाइड करोगे 70 से ज्यादा नहीं जाएगा, कितना होगा 8 8 64, बचा कितना 60। अब कितने टाइम जाएगा 8 7 56, बचा 40, 8 5 40। तो दीज आर योर आंसर फॉर द क्वेश्चन। ओके, समझ में आ गया ना यहां तक? यहां तक में किसी को कोई डाउट? आगे देखते हैं नेक्स्ट, तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में है तो इसके निकटतम परिणाम क्या होगा? यदि इनके निकटतम परिणाम निकालना है, यदि संख्या किसमें है, पूर्ण संख्या में, तो जैसे देखो 49.6 लिखा है ना, इसको हम क्या मान लें, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। क्या हो जाएगा 49 को लिख देते हैं कितना 50 लिखिए, मल्टीप्लाई देखते जाओ कैसे हल करना है, 10.2 है तो इसको लिख देते हैं 10, माइनस 7.1 को क्या लिख देते हैं 7, मल्टीप्लाई 29.7 को लिख देते हैं कितना 30, माइनस 5.1 यानी 5, मल्टीप्लाई 20.1 यानी कितना हो जाएगा 20। बस इतना ही है। अब देखो ये पूर्ण संख्या में बोला था ना, तो हम पूर्ण संख्या में लिख दिए, यहाँ दशमलव लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब कैसे हम लोग इसको भैया कितना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो 500, माइनस 210, माइनस कितना हो जाएगा 5 2 100। ओके, अब देखो कितना हो जाएगा 500 माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन भी इसका रहेगा माइनस की रहेगा, तो इसको ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 310, और इसमें 310 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे 500 में तो कितना आ जाएगा 290। ओके, दिस इज योर आंसर। आर यू क्लियर गाइस? समझ में आ गया ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ एक और क्वेश्चन है, एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी है, एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं, और लगाने हैं 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगेगा, ठीक ना। पार्क कैसा होता है, सॉल्यूशन नंबर 52, पार्क देखे हो, ये मान लो तुम्हारा क्या हो गया, पार्क हो गया, लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, ठीक है। लंबाई कितना हो रहा 1500 मीटर, लंबाई कितना हो गया 1500 मीटर, चौड़ाई कितना है 750 मीटर, कितना है 750 मीटर। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें जो साइकिल चलाएगा चक्कर लगाने के लिए, तो ये बताओ पार्क के किनारे किनारे ना चलाएगा, ऐसा तो नहीं करेंगे साइकिल कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, है कहाँ चलाएगा, किनारे किनारे चलाएगा, किनारे किनारे चलाएगा ने आपको क्या निकालना है, इसका परिमाप क्या निकालना है, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आयत का परिमाप बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है।
अब देखो इधर टू लंबाई कितना भैया 1500 प्लस चौड़ाई कितना है 750, ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 200, कितना आ रहा है क्या 2250 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई 2250 आ रहा है, ऐड करके देखो थोड़ा। आप देखो इधर इसको क्या करोगे, टू से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, तो कितना आएगा 2244 और 50 × 100 यानी कितना हो जाएगा 4500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4500। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आ गया आपको मल्टीप्लाई करने के बाद 4500। ओके अब ये 4500 क्या हो गया उसका परिणाम मतलब समझ पा रहे हो, यहाँ से साइकिल स्टार्ट करेंगे चलाने, यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे, तो उसको कितने मीटर हो जाएंगे 4500। ठीक है आप देखो इसमें एक चीज और बोला है कि कितने चक्कर लगाना है, चार चक्कर, कितने चक्कर लगाना है तो ये बताओ जब एक बार में कितना आ रहा है, जैसे मान लो कि एक बार यहाँ से साइकिल स्टार्ट किया, यहाँ लेके गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, तो कितना आ गया 4500। अब इसी को कितने टाइम कर रहा है, चार टाइम, फोर टाइम्स कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 4×4500 कितना, जब कितने बार हो जाएगा 18000। ठीक है इतना ही आएगा ना। अब देखो ये मल्टीप्लाई पर करने पर इतना आ गया, यहाँ एक शर्त रखा है कि ये किसमें है, ये मीटर में है, किसमें है ये मान, अब इसको किसमें चेंज कर दो किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर होता है, होता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 1000 मीटर होंगे, तो ये कितना है मीटर में है, मीटर में है तो इसको किस में चेंज कर ले किलोमीटर में, कितना हो जाएगा 18000 upon 1000, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 18 किलोमीटर, कितना 18 किलोमीटर की ये पूरी चक्कर लगाता है 18 किलोमीटर चार बार में, समझ गए। अब देखो यहाँ एक चीज और बोल रहा है कि 4.5 किलोमीटर की चाल से चल रहा है तो कितना समय लगेगा 4.5 किलोमीटर, और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना, तो समय बराबर लिख लो, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 18 किलोमीटर, कितना है 18, और चाल कितना है बेटा इसका 4.5, 4.5 यहाँ से दशमलव हटाओगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ऊपर। ठीक है इसको डिवाइड कर दो 4×9=5, 9×45, 5 से डिवाइड कर दो 5×3=15 और कितना 50 3 कितना 13, 8×6=13, ये 9×4=, यानी ये क्या आ गया इसका टाइम, ठीक है लगभग उसको ये दीजा आंसर 4 घंटे का टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा 4 घंटे में वो इस पार्क को कितने राउंड मारेगा 4 राउंड। ठीक है कंफर्म हो गया ये बन जाएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नो, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 53, पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर हैं तथा झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में हैं, बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं, घोंसले में कितने पक्षी। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन अच्छा है। सॉल्यूशन नंबर 53,
अब देखो क्या है, मान के चलो तुमको ये बताया कितना पक्षी है, नहीं बताया ना, तो क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, कितना मान लेंगे एक्स। सपोज दैट पक्षी हमको कितना दिया है, एक्स है, हमें नहीं पता। अब देखो उसमें एक बटे चार पक्षी क्या है, नदी के किनारे पर है, एक बटा चार यानी उसको क्या लिख सकते हो, एक्स बाई फोर लिख सकते हो। फिर क्या बोला है, एक बटे पांच भाग पक्षी अपने घोंसले में, यानी एक्स बाई फाइव कहाँ है, घोंसले में। 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे, इनको भी जोड़ लो भाई, कहाँ जाएंगे, है ना, 22 पक्षी भोजन की तलाश में, ठीक है ना, जैसे तुम भोजन की तलाश में अभी नहीं हो। एक्स इज इक्वल टू फोर और फाइव का एलसीएम कितना आएगा, 4-5 का एलसीएम 20 आएगा, निकाल लेना। एक्स मल्टीप्लाई 4-5 जा 20 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 5-4 जा 20 प्लस 20, अब इसको कितना हो जाएगा 5x। ये समझ में आ रहा है, एलसीएम भिन्न का जोड़ है कुछ नहीं, 5x प्लस 4x अपॉन 20 प्लस 22, 5 × 4x इज इक्वल टू कितना जाएगा 9x अपॉन 20 प्लस 22। अब देखो इधर इसमें कर दो 1, नीचे कितना कर दिए 1, अब इसको भी भिन्न की जोड़ से जोड़ देते हैं, इधर कितना रहेगा, इधर x रहेगा अपना, x इज इक्वल टू, ठीक है, x की वैल्यू नहीं लगानी है, 20 एंड 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 एंड 1 का एलसीएम आ जाएगा कितना, 20 ही आएगा, x की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ 9x मल्टीप्लाई 20 का 20 में डिवाइड करो कितना आएगा, 1 प्लस कितना है 22 मल्टीप्लाई 1 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, 20 आएगा, यानी कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9x प्लस 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 440 अपॉन 20। यहां तक में समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, 20 का यहाँ कर दो भैया पक्षांतरित कर दो तो कितना हो जाएगा, 20x इज इक्वल टू 9x प्लस 440। अब 9x में 20x सबट्रैक्ट कर दोगे तो कितना जाएगा, 9x में 20x इधर सबट्रैक्ट कर दो, 20x माइनस 9x इज इक्वल टू 440, सबट्रैक्ट कर दो बेटा कितना आएगा, 11x इज इक्वल टू 440, दैट मींस x इज इक्वल टू 440 अपॉन 11, कितने टाइम जाएगा, 40, 40 विल बी योर आंसर, आर यू गेटिंग गाइस, आंसर कितना आ गया 40, ठीक है, टोटल कितने थे पक्षियों की संख्या कितनी थी 40, हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यदि समझ में ना आया हो तो फिर बताओ। देखो तुम लोग एक काम किया करो, पढ़ाई बहुत अच्छे से करो, ठीक है ना, क्योंकि जो टाइम है ना, टाइम एक बार यदि निकल गया तो दोबारा ये बताओ तुम लोग इस कंपटीशन में बैठ पाओगे नहीं, तो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, ओके, समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक।